हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ नीट 2021 की कट ऑफ के बारे में, जो कि रहने वाली है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज क्या कट ऑफ रहेगी बीएमएस की, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट है, उसके बाद में पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड आएगा और इसके अंदर मैं सारी स्टेट्स कवर करूंगा। अभी ये जो कट ऑफ है, इनके लिए मैंने क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करके मैंने ये कट ऑफ निकाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ निकाली है, उसके साथ साथ मैंने इस साल का जो पेपर लेवल था वो मैंने एनालाइज किया। और सारी चीज़ें एनालाइसिस करने के बाद में, कौन से स्टेट में कितनी कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा है तो कम होगी कट ऑफ और भी, और नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है जैसे कि दो तीन है तो जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी कट ऑफ। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके मैंने जो ये कट ऑफ है वो निकाली है। इस कट ऑफ को निकालने में गाइज मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, आई होप आप सबको पसंद आएगी। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपनी क्वेरीज वगैरह वो भी पूछ सकते हो, मेरी जो मैनेजमेंट टीम होगी वो आपका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो मैंने कट ऑफ डिसाइड करी है उसके लिए मैंने फोर मेजर फैक्टर्स लिए हैं। अब वो फोर मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस साल का जो नीट का जो पेपर लेवल था वो कैसा था, जैसा कि आपको पता है इस साल का जो पेपर लेवल था वो पिछले साल से थोड़ा टफ था, तो जो कट ऑफ है वो 10-15 नंबर नीचे जाएगी। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन नीट एग्जाम, अब नीट के एग्जाम में कितने ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे, अब पिछले साल से तो ज़्यादा ही हुए थे इस साल, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। उसके साथ साथ जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीजिंग पर ईयर या नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीजिंग पर ईयर इन बीएमएस। अब जो चौथा मेजर फैक्टर है उसका मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेजर फैक्टर है ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट कॉलेज लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं ज़्यादा नंबर वाले, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बीएमएस की कट ऑफ स्टेट वाइज करके एक एक स्टेट की मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर दो कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है, और एक सेंट्रल कॉलेज है वो स्टेट काउंसलिंग में नहीं आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, राजस्थान की जो गवर्नमेंट थी उसने 14 कॉलेजेस पिछले साल खोलने को कहा था, लेकिन अब इस साल कितने कॉलेजेस खुलेंगे या एक भी नहीं खुलेगा या कितने खुलेंगे, दो तीन अगर खुलते हैं और कॉलेजेस इस साल तो जो राजस्थान की कट ऑफ होगी वो कम होगी। लेकिन अभी जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ राजस्थान की, वो दो कॉलेज अभी के टाइम पर है राजस्थान के अंदर, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ राजस्थान की। तो राजस्थान की जो कट ऑफ है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो 535 नंबर प्लस जाएगी। उसके बाद में जो ओबीसी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 515 नंबर प्लस जाएगी, और जो एससी स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर 460 प्लस जाएगी, और एससी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 430 प्लस जाएगी। तो ये तो कट ऑफ रहने वाली है बीएमएस की राजस्थान स्टेट के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार की। अब बिहार का भी आपको पता है बिहार के अंदर दो ही कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर भी जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो बिहार के अंदर जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए 530 नंबर, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 510 नंबर, एससी स्टूडेंट्स के लिए 390 नंबर, और जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी 310 नंबर। तो ये तो थी बिहार की कट ऑफ। उसके बाद में हम बात करते हैं यूपी की क्या रहने वाली है कट ऑफ नीट 2021 के अंदर बीएमएस के अंदर। तो यूपी स्टेट है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा है, लेकिन जो नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट है नीट एग्जाम के अंदर वो भी ज़्यादा है यूपी के अंदर। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज होगी यहाँ पर कट ऑफ। और जो कट ऑफ है यहाँ पर वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 420 प्लस, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 500 प्लस, एससी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 380 प्लस, और एसटी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 290 प्लस। इसके बाद में हम बात करते हैं आसाम स्टेट की। तो आसाम स्टेट बहुत छोटा सा स्टेट है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ नीट अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी कम है, और जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वहाँ पर वो भी कम है। तो आसाम की जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो रहने वाली है 490 प्लस, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 450 प्लस, एससी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 400 प्लस, और एसटी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 350 प्लस। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ रहेगी जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगी 470 प्लस, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी 430 प्लस, एससी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी 350 प्लस, और एसटी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी 320 प्लस। तो ये तो बात कर ली हमने हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद में मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र स्टेट की। तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो नीट की कट ऑफ होगी वो कम जाएगी। अब जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो यहाँ पर कैसे ज़्यादा है, यहाँ पर जो AQG कॉलेज है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर 4 है, और AIQ जो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वो यहाँ पर 10 से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से टोटल मिला के जो कॉलेजेस हो जाती है वो यहाँ पर 15-20 के लमसम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगी वो कम जाएगी महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए।
जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, जनरल स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 485 नंबर, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 468 नंबर, एससी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 370 प्लस और एसटी स्टूडेंट्स के लिए जाएगी 310। तो ये तो बात कर ली हमने महाराष्ट्र स्टेट की कट ऑफ के बारे में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बिहार, राजस्थान, यूपी, आसाम, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बताया। आई होप जो भी स्टूडेंट्स इन स्टेट से हैं उन सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि लमसम कितनी जाने वाली है कट ऑफ 2021 के अंदर। तो गाइज अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर गाइज वीडियो आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आयुष काउंसलिंग के बारे में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।